Like the video, subscribe the channel and on the notification icon. नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी eBiz के बारे में। दोस्तों, आप सभी इन दिनों काफ़ी मन में आपके सवाल आ रहे होंगे eBiz कंपनी के बारे में, क्योंकि eBiz कंपनी जो पिछले कुछ दिनों से जो है पे आउट बंद कर दिया है, कुछ थोड़ा बहुत बैन लगा हुआ है कैश होने की वजह से। लेकिन दोस्तों, मैं भी आप लोगों की तरह हूँ और दोस्तों आपको बता दूँ कि दोस्तों ये वीडियो एक मोटिवेशन वीडियो है, ताकि आप लोगों के मन में एक ऐसी फीलिंग ना आ सके कि eBiz कंपनी बकवास है या eBiz कंपनी ने आप लोगों के साथ धोखा किया है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंपनी किसी के साथ धोखा नहीं करती। काफ़ी समस्याएं आती है और काफ़ी प्रॉब्लम आती है, इन प्रॉब्लम की वजह से जो ये समस्या आ जाती है आती रहती है। दोस्तों, जहाँ तक डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए तो eBiz कंपनी एक काफ़ी बेस्ट कंपनी, क्योंकि काफ़ी ओल्ड टाइम से चल रही है। eBiz कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, eBiz एक बहुत बड़ा नाम है MLM कंपनी के अंदर। और eBiz कंपनी के कुछ लोगों की वजह से तो नहीं, लेकिन दूसरी कंपनी कुछ लोगों की वजह से जो इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, जब कोई कंपनी मार्केट के अंदर ग्रोथ करती है, जैसे जैसे ऊपर जाती है, तो उसको नीचे गिराने के लिए काफ़ी लोग आ जाते हैं और उन समस्याओं को कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके उस कंपनी को बंद करवाने की कोशिश करते हैं। यही घटना eBiz के साथ हो रही है। लेकिन गाइज, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम पूरी तरह से एक साथ हैं और अगर हम पूरी तरह से एक साथ संगठन होकर eBiz कंपनी का साथ दे रहे हैं, बिना किसी लालच के या बिना किसी eBiz कंपनी को जो है बुरा भला के या eBiz कंपनी को बदनाम किए बिना अगर हम आगे साथ बढ़ रहे हैं, तो eBiz कंपनी जरूर ये जंग जीत जाएगी और पहले की तरह मार्केट के अंदर वापसी भी कर लेंगी। तो गाइज, ये बात ही आपसे कहना चाहता हूँ। और दोस्तों, कुछ eBiz के कंपनी के कुछ लोग हैं, उनकी जो है विचारधारा भी आपको बताने वाला हूँ कि किसका क्या समझना है, किसका क्या सोचना है। अजय कुमार जी कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट कंपनी eBiz। अजय कुमार जी का मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए तो eBiz कंपनी बेस्ट है। तो दोस्तों, ये बात जो अजय कुमार कह रहे हैं, जो eBiz कंपनी के अंदर एक छोटे से लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर है। और आगे बात करते हैं जयंत पतिधार की, बोलने की अब क्या किया जाए। सर जयंत जी, अब आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपसे क्या कहता हूँ कि किसी महान आदमी ने काफ़ी पुराने टाइम से बात की है कि अगर हम किसी की भला नहीं कर सकते तो हमें बुराई नहीं करनी चाहिए। यही कि eBiz कंपनी में जो इस टाइम संकट के बादल है, वो कब किस टाइम हट जाए और कब किस टाइम कंपनी चल जाए, इसके बारे में अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन मैं आपसे यही दुआ करता हूँ कि आप लोग कुछ मत कीजिए, आप लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और eBiz का सहयोग कीजिए और eBiz के बदनाम करने वाले लोगों को जवाब दीजिए। क्योंकि दोस्तों, अगर हमने खुद eBiz कंपनी का नाम बदनाम कर दिया, तो फ्यूचर में अगर eBiz कंपनी चलती है तो हमें कितनी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है। दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग आपसे कहेंगे कि आप पुलिस रिपोर्ट कर दो, FIR कर दो, ऐसे कर दो, लेकिन दोस्तों उनसे कुछ नहीं मिलना है, कुछ भी हासिल नहीं होना है। काफ़ी ऐसी टूची मुची कंपनियां बंद हो चुकी हैं जो बिल्कुल फ्रॉड थी, उनके खिलाफ भी लोगों ने FIR केस किया है, लेकिन अभी तक उनके केस जो लंबे टाइम तक चलते जा रहे हैं, 10 साल, कुछ भी लगा लो, PSL कंपनी लगा लो, सोशल ट्रेड कंपनी लगा लो, बहुत सारी कंपनियों के नाम जो आपको गिनाऊंगा बहुत कम है। दोस्तों, इन कंपनियों पे जो है हमें केस करने से या कुछ करने से कुछ नहीं होता। बस ओनली इतना कह सकता हूँ कि हमें भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कब पता हम जीत जाए और कब हमारी कंपनी चल पाए, यही बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। सुरेंद्र सिंह जी बात कर रहे हैं, सर बाकी यात्रा एमपी के बारे में बताओ। सुरेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं बाकी MLM कंपनियाँ। दोस्तों, MLM कंपनियाँ क्या होती है, जब तक हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करते हैं, दोस्तों कोई भी MLM कंपनी ज्वाइन करने से पहले हम ना कि अपने लालच को सोचे या पैसे दुगना करने के फार्मूले को सोचे या चेन सिस्टम के अंदर इतने बंदे ज्वाइन करके अपने कमीशन के बारे में सोचें, सोचना होता है प्रोडक्ट। दोस्तों, प्रोडक्ट मानता हूँ कि कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट महंगे होते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी लोग खरीदते हैं। एक जो टाइमेक्स की वॉच 1 करोड़ रुपये की आती है और एक टाइमेक्स की वॉच 1000 रुपये की आती है, लोग 1000 रुपये की वॉच भी खरीदते हैं, लोग 1 करोड़ रुपये की वॉच भी खरीदते हैं। दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट के अंदर दम होना चाहिए, अगर हमारे प्रोडक्ट के अंदर दम होगा तो लोग उसे महंगे रेट में भी खरीद सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट महंगा है तो लोग उसे नहीं खरीदेंगे। दोस्तों, महंगे प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग भी काफ़ी है इंडिया के अंदर, तो दोस्तों इस बात को भूल जाइए। लेकिन सबसे मेन चीज़ डिपेंड करती है प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। अगर प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी नहीं है तो लोग उसे नहीं खरीदेंगे।
अगर हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है तो लोग उसे महंगे रेट पर बिक्री दें। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसके प्रोडक्ट को देखिए, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखिए, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती, ताकि हम अपने चैन सिस्टम से ना कमा के उस प्रोडक्ट को सेल करके भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा और कमीशन कमा पाए। ये ज़रूरी है, चाहे अमलम कंपनी कोई भी हो। कोई भी अमलम कंपनी आपसे दावा करती है 3 महीनों के अंदर, 1 साल के अंदर पैसा दोगुना कर देंगे, तो ऐसी कंपनी से दूर रहें। ऐसी कंपनियों को ज्वाइन ना करें जिनके प्रोडक्ट नाम मात्र होते हैं, जिनके प्रोडक्ट में कोई दम नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं। मुकेश यादव जी दिख रहे हैं, सर क्या सपोर्ट करें, 3 मंथ से कर ही रहे हैं सर, या CMD लोगों का पेआउट नहीं देना चाहता है सर, और सब 31 मार्च तक और देखते हैं क्या होता है, और 50,000 गए। ये कोई बात नहीं भाई, CMD सर क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है इसके बारे में हम कुछ नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट में अभी तक कोई साबित नहीं होना कि पेआउट कौन देना नहीं चाहता, कौन कैसे नहीं करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, जब कोर्ट से केस जीतेंगे तो किसी न किसी को पेआउट देना ही पड़ेगा। अगर केस हारेंगे तो भी कोर्ट पेआउट के ऑर्डर निकालेगी। दोस्तों, आपका पैसा सुरक्षित है, आपका पैसा कहीं नहीं गया, चाहे गवर्नमेंट दिलाए चाहे CMD खुद दे। तो दोस्तों, इस बात की चिंता छोड़ दीजिए। डायरेक्ट सेलिंग कमेंट कर रहे हैं, eBiz लीगल प्लस घटिया, गलत बात यहाँ है, जहाँ कहते हैं कि सेमिनार से बाहर आते ही लालच देते हैं कि तुम्हारे नीचे 3 लड़के ज्वाइन होने वाले हैं, और तो और 16,800 की जगह 2 सीट ले लो, फायदा होगा क्या, किस से फायदा अप्लाई इनका होगा। लालची झूठ भी बहुत बोलते हैं, इनका बैंक खाता टीम ज्वाइनिंग डेट देखे झूठ लोग, PR में 98% नहीं दिखाएंगे, इनकी पोर खुल जाएगी, लड़कियों की वजह से ज़्यादा लड़के फंस रहे हैं eBiz में। वैसे भी इनके फादर और अपलाइन नेटवर्किंग की सही जानकारी भी नहीं देते हैं। मेरे हिसाब से थर्ड क्लास कंपनी है, जितनी भी कंपनी है उसमें लास्ट लेवल पे है। ये बंदे eBiz बंद करने के बाद गुड कंपनी में नहीं कर पाते हैं, उसके लिए फेस वैल्यू क्रेडिट खराब हो चुका है, टैग लग गया है, ओ तेरी वो eBiz आया, भागो, eBiz इज लीगल बट साथ साथ घटिया भी है। गाली बोलने से ज़्यादा लड़के की eBiz कंपनी उनसे ऐसे प्रोडक्ट बिकवाते हैं जो कि लोगों को उनकी जरूरत ही नहीं होती, या फिर मार्केट रेट से 50 गुना महंगा होता है। गाइज, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात हमें स्टार्टिंग में सोचनी होती है किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, कि उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसकी रीसेल वैल्यू के बारे में, या उसके प्लान के बारे में, ये चीज़ स्टार्टिंग होता है। लेकिन जब हम ज्वाइन कर चुके हैं तो उस कंपनी के बारे में गलत बोलना बिल्कुल गलत है। और बैरव दास जी कमेंट करते हैं, eBiz केस लड़ रही है और केस जीतेगा भी यही छोटा केस। देख, ये सौरभ दास जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि छोटा सा केस है, eBiz केस लड़ रही है और केस जरूर जीतेगी। तो हमें भी ऐसे कंपनी का साथ देते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, और ऐसे विश्वास बनाए रखिए दोस्तों कंपनी में। डायरेक्ट सेलिंग जीत जाओगे क्या, बच्चों का नेगेटिव कर दो, नेगेटिव तो आप जैसे लोग कर रहे हैं, घर बैठे कोई काम तो है नहीं, यहाँ काम कर लो। eBiz सरूपदास, थैंक यू सर, आप गोल्ड हो, बढ़िया भाई, शो करेंगे तो और लग जाएंगे भाई, इस कंपनी ने तो मेरा पैसा लूटा था, इस कंपनी का लीडर ने बस झूठा अपना दिखाया था और उल्टा ज़्यादा केस होगा, इनका औकात तो वही रहेगा, 7500 का कपड़ा लूट, 16800 का कपड़ा लूट, और आप प्रोडक्ट बेच के नाम पे दे रहे हैं, दिस इज़ द क्लियर एक्चुअली लूट। डायरेक्ट सेलिंग जी, अगर आपको लूट लगी थी तो आपने कंपनी ज्वाइन क्यों की? अब कंपनी के बारे में अफवाहें फैलाने से या कंपनी को बुरा भला कहने से कुछ फ़ायदा नहीं होना, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में, तो आप ऐसी बातें मत कीजिए। अजय कुमार ने सही जवाब दिया उनको। तो दोस्तों, ये कुछ दोस्तों की कमेंट थी जो eBiz कंपनी के बारे में कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों, अंत में निष्कर्ष यही निकल के सामने आता है कि दोस्तों, अब अगर हम कंपनी को बड़ा भुला कहेंगे तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होना है, तो उससे अच्छा है कि हम कंपनी का साथ दें, समर्थन करें, या सहयोग के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि कंपनी का केस चल रहा है और वो केस हम कभी भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों, यही बात मैं आपको बार बार कह रहा था कि दोस्तों, केस जीतने की कोशिश कीजिए, हम केस नहीं आ रहे हैं और केस जरूर जीतेंगे। तो आप लोगों को कोई अन्य क्वेश्चन, कोई अन्य क्वेरी वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जो है आप मेरा जो है प्रोत्साहन कीजिएगा। जो और दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए।
Thank you.